पिटबुल एक बदनाम डॉग ब्रीड है जिसके बारे में लोग कहते हैं कि बचपन से ही अग्रेसिव होते हैं, जो बच्चों के ऊपर अटैक कर देते हैं, यहाँ तक कि अपने मालिक को भी जान से मार देते हैं। लेकिन क्या ये डॉग ब्रीड सच में ऐसी है, या फिर इनके पीछे जो इनके ओनर्स होते हैं उन्होंने इनको ऐसा बना रखा है? तो आइए जानते हैं इन सभी बातों के बारे में, और साथ में मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि इन पपीज का प्राइस क्या है और कहां से आप लोग इन्हें परचेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आज हम बात करने वाले हैं अमेरिकन पिटबुल टेरियर के बारे में, जिन्हें हम लोग APBT भी कहते हैं। पिटबुल ऑफिशियली रजिस्टर्ड तो नहीं होते, लेकिन इनमें जो अमेरिकन स्टेफर्डशायर टेरियर है वो केनल क्लब ऑफ इंडिया की तरफ से रजिस्टर्ड है। तो इन पपीज के जो फादर हैं वो चैंपियन हैं, और इन पपीज के आप लोगों को पेपर्स भी मिल जाएंगे, लेकिन वो कौन से पेपर्स हैं इनके बारे में हम लोग आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, अमेरिकन पिटबुल टेरियर जो होते हैं इन्हें मोस्टली लोग सिर्फ फाइट के लिए ही यूज करते हैं, और ये काफी मस्कुलर एंड पावरफुल भी होते हैं। तो फ्रेंड्स, अमेरिकन पिटबुल टेरियर एक मीडियम साइज की डॉग ब्रीड है, जिनकी हाइट 17 से 21 इंच और वेट 15 से 30 किलोग्राम तक हो सकता है। तो दोस्तों, आप लोगों ने सोचा कि पिटबुल इतने अग्रेसिव क्यों हो जाते हैं? इसका रीजन है इनके काम करने की लगन और तीव्रता। अगर आप लोग पिटबुल को कोई भी काम देते हैं, या तो वो उस काम को खत्म करेंगे, या फिर उसे खत्म करते करते खुद भी खत्म हो जाते हैं। और ये चीज आप लोगों ने डॉग्स फाइट में भी देखा होगा कि पिटबुल अपने ओनर्स के कहने पर अपने खुद की भी जान दे देते हैं, या फिर सामने वाले डॉग की भी जान ले लेते हैं। तो इस चीज से तो शायद आप लोगों को ये पता लग गया होगा कि पिटबुल अपने ओनर्स को बहुत ही ध्यान से सुनते हैं और वो उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन पिटबुल को आप लोगों को तभी परचेज करना चाहिए जब आप लोगों के पास टाइम हो अपने डॉग्स को देने के लिए। तो गाइस, पिटबुल एक ऐसी डॉग ब्रीड है जिस तरह से आप लोग इन्हें ट्रीट करोगे, ये भी आप लोगों को उसी टाइप से ट्रीट करेंगे। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका पिटबुल आपकी रिस्पेक्ट करे, आपको इज्जत दे, तो उससे पहले आप लोगों को भी अपने पिटबुल की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। वैसे जल्दी ही मैं इस टॉपिक के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाऊंगा। तो गाइस, पपीज की बात करें तो पपीज काफी अच्छी क्वालिटी में है, और एक बार मैं आप लोगों को इनकी पेरेंट्स की क्वालिटी भी दिखा देता हूँ। तो गाइस, ये जो आप लोग देख रहे हैं ये इन पपीज की मदर है, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी में है, और ये हैं इनके फादर। तो पपीज के जो फादर हैं वो 4 बार चैंपियन रह चुके हैं, और मदर जो है वो 3D कैनल से है, और ये दोनों ही पेडिग्री रजिस्टर्ड है। तो साथ में आप लोगों को पपीज के पेपर्स भी मिल जाएंगे। और गाइस, ये इन APBT डॉग्स की लाइन है जिसके बारे में ओनर आप लोगों को अच्छे से क्लियर कर देंगे। सो गाइस, आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं हमारी पिछली वीडियो के टॉप 3 कमेंट्स के बारे में, जिसमें से फर्स्ट है गौरव सिंह, सेकंड है नितिन ब्राह्मण, एंड थर्ड है मीता फौजी। तो फ्रेंड्स, अगर इन अमेरिकन पिटबुल टेरियर की एज के बारे में बात करें तो ये पपीज 35 डेज के हो चुके हैं, और इनकी जो लोकेशन है वो है बहादुरगढ़, दिल्ली NCR से। एंड डिलीवरी के बारे में मुझे कंफर्म नहीं है कि ओनर आप लोगों को प्रोवाइड करा पाएंगे या फिर नहीं, इसके लिए आप लोगों को डॉग ओनर से ही डिस्कस करना होगा। एंड गाइस, फाइनली अगर इनके प्राइस के बारे में बात करें तो अमेरिकन पिटबुल टेरियर सिर्फ फीमेल ही अवेलेबल है, और ओनर ने जो इनके प्राइस की डिमांड की है वो किया 15,000 पीस, यानी 15,000 रुपए। वैसे प्राइस नेगोशिएबल है, परचेज करते टाइम डेफिनेटली आप लोगों को इसमें काफी अच्छा डिस्काउंट मिल सकता है। तो गाइस, क्वालिटी के हिसाब से आप लोगों को प्राइस कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। तो मिलता हूं आप लोगों से एक और न्यू एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।